गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऑडिबल? प्लीज ज्वाइन मी फास्ट। गुड मॉर्निंग प्रखर। Those who are live, please like, share, and subscribe my channel. Join me fast. गुड मॉर्निंग टू ऑल। जल्दी से ज्वाइन कीजिए, फिर हम द हिंदू 7th of January 2021 स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, राइट? देखते हैं। तो आज का पहला जो न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट टू स्टडी एंटी कन्वर्जन लॉज ऑफ उत्तराखंड एंड यूपी। अभी कुछ दिनों पहले का ही न्यूज है कि यूपी और उत्तराखंड में ऑर्डिनेंसेस पास हुए हैं कि जो भी कन्वर्जन होंगे आपके मैरिजेस के लिए वो सब फॉल्स हैं, वो सब मैरिज कन्वर्जन करने से पहले आपको पूछना पड़ेगा गवर्नमेंट से और उस पर आप रोक लगाई है। तो ये एक तरह से हॉरिफाइंग मूव इसको बोला गया है। भानु यादव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आई होप ये आपकी पहली क्लास है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे पहले लाइक शेयर भी कर दीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट ने कल ही आपका ये दिया एग्जामिन करने के लिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इन लॉज की स्टेट्स में, ये कितने रिलायबल हैं या नहीं है, कितने एप्लीकेबल हैं। एक तरह से आपका ये जो फोर्स कन्वर्जन है आपका जो मैरिजेस के लिए, वो इन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया है। तो इसको हॉरिफाइंग मूव एक तरह से बोला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से। अब इसमें क्या क्या करना पड़ेगा अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हैं अपने रिलीजन को। सपोज आप मैरिज कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं अपनी पसंद के किसी आदमी से और वो चाहते हैं कि आप अपना रिलीजन कन्वर्ट कर ले, तो उसके लिए आपको प्रोसीजर है पूरा वो देखना पड़ेगा कि एक पर्सन को अपना जो धर्म है वो बदलने के लिए 60 दिन और 1 महीना पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एडवांस में बताना होगा कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, राइट? और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फिर पुलिस इंक्वायरी के लिए भेजेंगे। फिर आपका वंस कन्वर्जेशन, जो आपका कन्वर्जन जो है आपका पूरा हो जाता है, फिर आपको एक डिक्लेरेशन वहां पे भरनी होगी 60 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद आपको कन्वर्टेड पर्सन हैज टू अपियर बिफोर द डीएम एंड कंफर्म हिज हर आइडेंटिटी एंड डिटेल्स, अपना पूरा आईडी डिटेल्स सब देना होगा। वायलेशंस अगर इसका होता है तो आपको 6 मंथ से 3 साल तक की जेल हो सकती है। और ये प्रूफ होता है कि आप किसी बर्डन में आके आपने कन्वर्जन किया है, और तो आपको ये जो जेल है ये भी हो सकती है। और फोर्स फ्रॉड और मैरिज से रिलेटेड अगर कन्वर्जन होता है तो भी वो आपका गलत होगा, ठीक है? मैरिज इज डन फॉर द सोल पर्पज ऑफ रिलीजन कन्वर्जन आर लाइबल टू बी डिक्लेयर वॉइड। मतलब अगर कोई शादी सिर्फ आपका धर्म परिवर्तन के लिए की जा रही है, आपसे जबरदस्ती कोई शादी किया जा रहा है आपकी, तो वो एकदम गलत होगा, एकदम वॉइड करार दे दिया जाएगा, ठीक है? ऑल ऑफेंसेज अंडर द यूपी लॉ आर नॉन बेलेबल, मतलब कोई बेल नहीं होगी आपकी अगर आपने ऐसा अपराध कर दिया। अगर किसी से अपोजिट फेथ वाले किसी पर्सन से आप शादी करना चाहते हैं तो अब से आपको सोच के करना पड़ेगा, ठीक है प्रखर जी? ओके, चलिए। हॉरिफाइंग मूव्स, लकी शर्मा, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, आई होप आपको मेरी क्लासेस मॉर्निंग 11 AM और इवनिंग 6 PM एकदम सूटेबल लगता होगा टाइम। अगर कोई प्रॉब्लम है, इशू है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। आप प्लीज रेगुलर कमेंट करना ना भूलें वीडियोस के नीचे, इससे मुझे अपनी प्रोग्रेस का पता चलता रहेगा, अपनी परफॉर्मेंस का पता चलता रहेगा कि कैसा वीडियोस जा रहा है, आपको कितना क्लियर हो रहा है, राइट? हम इवनिंग में ज्योग्राफी कर रहे हैं, राइट? ज्योग्राफी हम सीक्वेंस में करेंगे, 6th क्लास से हमने स्टार्ट किया है, फिर हम आगे जाते जाएंगे, कंप्लीट ज्योग्राफी एनसीईआरटी हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? इसी तरह से हम बाकी के सब्जेक्ट्स भी करेंगे। मैं सोच रही हूँ एक और सब्जेक्ट में स्टार्ट कर दूं, आप जो सब्जेक्ट बोलेंगे उसी का मैं अब स्टार्ट कर दूंगी क्लासेस, एक और ऐसे ही बुक रीडिंग का, ठीक है? ओके लकी, दैट्स फाइन। तो अंडर द लॉज अ पर्सन मैरिंग इन टू अनदर फेथ शुड गिव अ मंथ्स प्रियर नोटिस टू द अथॉरिटीज, देयर विल बी एन इंक्वायरी, मतलब इंक्वायरी बैठी जाएगी।
हाँ जी, प्यार किया तो डरना क्या, नहीं जब तो डंडे पड़ेंगे तो डरना तो पड़ेगा, ठीक है ग्रीषा जी, बिल्कुल। ग्रीव इनजस्टिस मतलब इसको एक तरह से बिल्कुल आपका इनजस्टिस करार दिया गया, जो डेमोक्रेटी, जो डेमोक्रेसी है हमारी, उसके अगेंस्ट ये आपके ऑर्डिनेंसेस हैं, आपके आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है आपकी लिबर्टी, आपका जो डिग्निटी है वो आपकी ये छीन लेते हैं, इस तरह के जो आपके रूल आउट होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, राइट। और आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम, वी हैव ऑलरेडी इशूड नोटिस, यू हैव कम अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ जस्टिस बोबड़े सेज रजिस्टर प्ली फर्स्ट इज। आर्टिकल 32 क्या कहता है ये बताइए, ठीक है, आपको कमेंट्स में बताना होगा आर्टिकल 32 क्या कहता है, राइट। चलिए, ये आपका एक न्यूज हो गया कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट ने है ये एंटी कन्वर्जन लॉ है, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करना जरूरी समझा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी आप देख सकते हैं कि जो जरूरी मुद्दे हैं आपका MSP से रिलेटेड है, आपका फार्मर से रिलेटेड है, इतने इश्यूज चल रहे हैं कोरोना से रिलेटेड है, वो इश्यूज नहीं देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, आपके अदर अदर जो भी गवर्नमेंट के जो फेवरेट इश्यूज हैं उन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सो नेक्स्ट न्यूज हो जाएगा आपका, एक कंट्री है जी आपका यूरोप में, जॉर्जिया। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान देखना पड़ेगा कि जैसे ही कोई कंट्री आए तुरंत मैप लिया और मैप में आपने वो कंट्री को एक बार लुकआउट कर लिया। तो जॉर्जिया की बाउंड्रीज कौन कौन सी कंट्री से टच करती हैं, ये हमारा जियोपॉलिटिकल, हमारा रिलेशनशिप इंडिया से कैसा है ज्योग्राफी का, ये थोड़ा सा आपको, वेरी गुड भानु, वेरी गुड रिट्स, वेरी गुड वेरी गुड, लकी तीनों ने सही बताया है। ओके, सो किस तरह से जॉर्जिया हमसे रिलेट करता है ये थोड़ा सा देख लेंगे। अगर कोई भी, नॉट ओनली जॉर्जिया, कोई भी कंट्री अगर आप पढ़ते हैं, जैसे ईरान का हम 2 दिन पहले से पढ़ रहे थे, तो ईरान का पूरा जियोपॉलिटिकल लोकेशन, उसका इंडिया के साथ जो भी रिलेशन है वो एक बार चेक कर लेंगे तो आपका रिविजन होता रहेगा। तो इस तरह से हम न्यूज़पेपर का है बहुत ही एफिशिएंटली यूज करेंगे। अब इसी पेज पे 2 न्यूज और दी गई है जी, रिपब्लिक डे सिक्योरिटी मीट फैक्टर्स इन फार्म स्टिर। होता क्या है कि अभी जो आपका रिपब्लिक डे परेड होने वाला है, रिपब्लिक डे आपका जो मीटिंग होने वाला है उसपे जो डर है कि कहीं फार्मर्स अपना थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें, बिल्कुल, क्योंकि वहां पे आपको पता है लगभग मोर देन 45 डेज, 40 डेज से वहां पे आपका प्रोटेस्ट चल रहे हैं फार्मर्स के, पूरे पंजाब, हरियाणा, आपका वेस्टर्न यूपी, यहाँ से जो फार्मर्स है पूरा दिल्ली बॉर्डर्स पे जाम हो गए हैं, राइट। सो और ऊपर से मौसम है इतना खराब है फिर भी ये लोग वहां रुके हुए हैं, तो कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं रिपब्लिक डे में कोई प्रॉब्लम ना कर दें, राइट। तो मोर देन 40,000 सिक्योरिटी पर्सनल इन न्यू दिल्ली एरिया ड्यूरिंग द परेड। तो परेड के टाइम पे इतना सिक्योरिटी ये लगाया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक न्यूज है कि यूजिंग गॉड्स नेम टू सेल आर्टिकल्स इलीगल, मतलब अगर आप भगवान के नाम पे कोई अपना आर्टिकल है वो बेचना चाहते हैं, लक्ष्मी बॉम्ब, राइट। तो इस तरह का अगर कोई भी आर्टिकल आप बेचना चाहते हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि आपको पता है हमारी जो गवर्नमेंट है एकदम अपना मंदिर बनाने वाली गवर्नमेंट है, अगर उनको पसंद नहीं आया तो एकदम जी आपका बुरा हाल हो जाएगा। पिटिशन इन महाराष्ट्र कोर्ट एक उसमें फाइल किया गया है, आज रिहर्सल है टिकरी एंड गाजीपुर बॉर्डर। अच्छा जी, 7 जैन ट्रैक्टर परेड रूट डाइवर्जन स्टार्ट, क्या बात है। हाँ, टिकरी जो आपका बॉर्डर जो इधर लगता है और गाजीपुर, यहाँ पे ही आपके मेनली जाम है, आपका बंद है पूरा, ठीक है। तो आई विजिटेड दैट प्लेस, हाँ जी बिल्कुल। सो ये देखिए, इंजेक्शन टू स्टॉप सच एड्स ऑन टीवी, अगर और अगर ऐसा कोई टीवी पे एड भी आता है तो आप वो एड भी नहीं देखेंगे, और एड अगर किसी ने दे दिया तो उसकी तो भाई बुरा हाल होने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब आप भगवान का नाम लेके कोई भी अपनी चीज, अपना मॉनिटरी बेनिफिट नहीं कमा सकते, राइट। चलिए, अब ये देख लीजिए, एक थोड़ा सा पिटिशन था, ये छोटा सा न्यूज, आप चाहें तो इसे सोसाइटी का कोई अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं उसमें इसको यूज कर सकते हैं, राइट। सो ये एक अच्छा सा एक स्टार्ट है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट आपका स्कूल को कैसे खोले उसके लिए, ओके। और ड्राई रन आपका मोटा मोटी बता दिया जाए कि आपका ड्राई रन क्या होता है जी, बार बार आता है न्यूज में, ड्राई रन मीन्स आपका एक तरह से पूरा बड़े लेवल पे टेस्टिंग चल रही है आपका, जो वैक्सीनाइजेशन से पहले ये हम वैक्सीन जो लेके आए हैं, कौन सी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, 2 वैक्सीन है, कौन कौन सी जो आपकी इनके जो इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने बनाई है, कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज है जिन्होंने ये बनाई है, उनका नाम आप मुझे बताएंगे प्लीज कमेंट्स में, दोनों जो वैक्सीन है उनको बनाने वालों का नाम कौन कौन है बताइए, ठीक है। तो आप कमेंट्स में बताएंगे मुझे। और ड्राई रन का मतलब कि वो पहले जो टेस्टिंग है वो पूरे बड़े तौर पे चल रही है, राइट। अब नेक्स्ट आपका जो हो जाएगा,
नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, जो मोबाइल नाइट शेल्टर अराइव एट प्रोटेस्ट टाइम, मतलब जो मोबाइल किसको बोलते हैं, वो वाला मोबाइल नहीं है ये आपका, भारत बायोटेक बिल्कुल। और दूसरे वाला कोविशील्ड, कोविशील्ड के बारे में बताइए, एस्ट्राजेक एंड ऑक्सफोर्ड। वेरी गुड लकी, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। ओके चलिए, तो ऐसे ही आपको अपने कमेंट्स में साथ के साथ एंगेज रहना है क्लास में, तब आपका जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपकी दिमाग में रहेगा, आपको याद रहेगा, राइट। चलिए, तो ट्रैक्टर रैली जो है हमारा, जैसे हमारे बताया एडमिन जी ने, वो एकदम स्टार्ट हो गई है, और परेड के लिए ये लोग भी तैयार है आपका, पूरे किसान लोग, ठीक है। तो ये देखिए, हमारे जो एरिया है आपका पंजाब, हरियाणा, आपका वेस्टर्न यूपी, तो ये वाले फार्मर्स को ही क्यों इतना परेशानी हो रहा है, जो 3 आपके फार्म लॉज आए हैं इनसे, क्योंकि आपको पता होगा 60s के दौर में, 70s के दौर में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना, उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट इसी एरिया को मिला है। सरप्लस अगर किसी एरिया में हुआ है पूरे इंडिया में, तो ये सिर्फ यही स्टेट है जहां पे सरप्लस प्रोडक्शन होता है आज भी अनाजों का। और जब अगर MSP एक तरह से आपका सिक्योरिटी होता है कि आपको मार्केट में जाने से पहले ही सिक्योरिटी मिल जाए कि आपका जो अनाज है इतने दाम पे तो खरीदा ही जाएगा, और अगर वो ही चला जाएगा तो इन किसानों को बहुत ज्यादा डर बैठ गया है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो आके आपका सब खरीद लेंगी, अगर उनका मन हुआ तो, और नहीं हुआ, उनको लगा कि इस बार उनका जो उनको जितनी जरूरत थी उनका हो गया है, और उसके बाद उनके अनाज का क्या होगा, राइट। तो इस तरह की कुछ इश्यूज हैं ये फार्मर्स जिनको लेके बहुत परेशान है, और हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ही जिद्दी किस्म की है, जो बता नहीं रही है, पूरा सॉर्ट आउट नहीं कर रही है, किसान बेचारे परेशान है इतने दिनों से। आई होप कि बहुत जल्दी से कोई इनके लिए कुछ एक सोल्यूशन निकले इस बात का, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, हाउ आर कैंडिडेट्स, ये देखिए, ये थोड़ा सा यूपीएससी सिलेक्शन के लिए है, कैसे होता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका इंटरेस्ट जो है आप जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बना रहेगा। ऐसे ऐसे न्यूज हमें पढ़ती रहनी चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट आपका न्यूज हो जाएगा, ये एवियन फ्लू है जी, 2 दिन से बहुत न्यूज में है, इसको इग्नोर नहीं करना है एवियन फ्लू को, राइट। चलिए, तो एवियन फ्लू के बारे में क्या क्या, कौन सा स्ट्रेन है बताइए, आपका H5N1, राइट, इसको भूलना नहीं है। इस ये वाला एवियन इन्फ्लुएंजा फ्लू जो है दोबारा से ओरिजिनेट हुआ है, कई सालों से, लगभग लास्ट 10 सालों से ये न्यूज में आया है, और उसके बाद अब फिर से एक बार न्यूज में है, तो काफी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए इसको कवर करना। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि H1N1 को किस नाम से जाना जाता है, कौन सा वायरस है ये, तो आपको स्वाइन फ्लू वाला जो आंसर था एक बार पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट तो है, सिर्फ कोरोना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, और भी वायरस है दुनिया में, और भी है दुनिया में, राइट। सो इस तरह से एवियन फ्लू, मोर माइग्रेटरी बर्ड्स रिपोर्टेड डेड इन हिमाचल, ये देखिए सिर्फ 3-4 दिन पहले की ही बात है। चिदंबर जी, गुड मॉर्निंग, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है यहाँ पे। हाँ जी, H5N8, मैंने आपको कई दिन पहले बताया था कि कुछ सब टाइप्स होते हैं एक वायरस के, जैसे इन्फ्लुएंजा ए है उसके कई सब टाइप्स हैं, आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। ओके चिदंबर जी, उनमें से ये है अभी फिलहाल जो प्रॉब्लम कर रहा है वो H5N1 है, राइट, आई होप इट मेक सेंस। ओके, तो चंडीगढ़ की जो सुखना लेक है जी, वहां पे 5 बर्ड्स फाउंडेड, आप देख सकते हैं कि लास्ट 4-5 दिनों में ही है, जब से नया साल हुआ है उसके 2-3 दिन बाद ही स्टार्ट हुआ था, और 2-3 दिन के अंदर अंदर ही इतना ज्यादा प्रॉब्लम जो है बर्ड फ्लू का हम देख रहे हैं, कि अलग अलग जगह पे मेनली जो कई स्टेट्स हैं लाइक MP, हिमाचल, आपका केरला, यहाँ पे ज्यादातर बर्ड्स अभी प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, मतलब मर रहे हैं इसकी वजह से, तो ये काफी तेजी से फैल रहा है। ओके, तो 336 माइग्रेटरी बर्ड्स, मतलब जो बर्ड बाहर से आते हैं इंडिया में, वो रिपोर्टेडली डेड, अभी उनकी मृत्यु हो गई है हिमाचल प्रदेश की पौंग डैम में। अभी पौंग डैम कहाँ है आपको ये पूरा एक बार रिसर्च करना होगा, इस पे कौन सी नदी पे है, भागीरथी पे है, किस पे है बताना मुझे आप प्लीज। पौंग डैम हो गया, ऊपर से सुखना लेक हो गया, मैं आपको 2-3 लोकेशंस का, आप इसमें जो भी न्यूज पढ़े मैं रोज बताती हूँ, एक बार मैप खोल के लोकेशन जरूर चेक कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
ठीक है, आप जब कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, मैम ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो हमने नहीं पढ़ी थी, ये वाला नेशनल पार्क कैसे आ गए, तो इतना न्यूज में नहीं था। बट ऐसे ही जब कोई न्यूज हम पढ़ते हैं तो उसमें अगर कोई हाईलाइट कर दिया है उसको, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक बार उसको रिवाइज कर ले तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा, राइट? वेरी गुड। तो इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ 5 बर्ड्स हैव बीन फाउंडेड, और इसी के साथ H5N1 का जो इन्फ्लुएंजा है वो पाया गया है, और डेथ ऑफ अराउंड 2736 माइग्रेटरी बर्ड्स का डेथ हुआ है सेंचुरी नियर कांगड़ा। कांगड़ा आपका हिमाचल प्रदेश में, आपका चंडीगढ़ में, तो इस तरह से दो जगह पे आपका ये इनका जो डेथ है वो हमने देखी है। ओके, सो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिक्रीज डिजीजेस, आपका निहज, ये भोपाल में ये इंस्टीट्यूट है, ये आपका जो है सैंपल क्रिए, इसका सैंपल ले रहे हैं कि इसका प्रॉब्लम मेनली क्या है वो देखने के लिए। ओके, तो आप एवियन फ्लू को अच्छे से कवर करेंगे। ओके, इस पे आप हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, महाराष्ट्र एक्टिव केस टैली सर्जेस अगेन, ये देखिए डिस्चार्ज, मतलब महाराष्ट्र में थोड़ा सा एक बार फिर से केसेस देखने को मिल रहे हैं, ऑल्सो कॉल्ड महाराणा प्रताप सागर डैम। वेरी गुड। हाँ जी, तो आपका जो रूफ कोलैप्स, जो कल हमने एक क्रिमेशन, जो आपका एक सेंटर था जहाँ पे आप दफनाने गए थे एक कब्र को, तो वहाँ पे आपने देखा कि 24 लोगों का जो डेथ हो गया था, तो उसमें जो गवर्नमेंट का जो ड्यूटी था आर्टिकल 21, वो भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक सेफ बिल्डिंग देना एक स्टेट का ड्यूटी होता है अपने सिटीजन्स के लिए, तो वो उससे रिलेटेड है ये छोटा सा न्यूज़। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट मैं दोबारा से आपको वो जो इशू था वो एक बार याद दिलाना चाहती हूँ इसमें, राइट? तो आपका नेक्स्ट जो न्यूज़ हो जाएगा ये आपका स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है। फिर आ जाते हैं हम आपके एडिटोरियल्स पे। एडिटोरियल में आपका द चैलेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अपॉर्चुनिटीज बेटर, तो एक तरह से आपका जो कोटा है, रिजर्वेशन है, उससे रिलेटेड ये इशू है, और सबके अपने अपने बहुत ही सब्जेक्टिव, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव ये आपका इशू है, आपका इस पे रिजर्वेशन से लेके कि कोई बोलता है अगर रिजर्वेशन अच्छा है, कोई कहेगा रिजर्वेशन बुरा है, बट हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, सही है गलत है हम उस पर अपना ओपिनियन नहीं रखेंगे, राइट? इसमें बताया गया है कि कैसे आपका जो कोटा है वो मेरिट के बेस पे होना चाहिए या आपके कास्ट बेस पे होना चाहिए, ये नेवर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है? तो ये आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये इस तरह से ये वाला पूरा आर्टिकल आपका इस पे कोटा पे बेस्ड है, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है? एक्नॉलेजिंग कास्ट एज अ नॉर्म, कहने का मतलब है अगर हम आपको रिजर्वेशन देते हैं तो कास्ट तो फिर भी आपका हाईलाइट हो रहा है ना, कि आपका कास्ट, सपोज आप SC हैं, आप ST हैं, आप OBC हैं, तो तभी आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, भले ही आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है उससे, बट एक तरह से आपका कास्ट बार बार हाईलाइट होने से वो जो इसका पीछे का जो मकसद था, इसका टारगेट था कि हम कास्टिज्म को एकदम से इरेडिकेट कर दें इंडिया से, वो नहीं जा रहा है उसका, बल्कि वो और ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है? तो एक ये कहना चाह रहे हैं इसमें हमारे जो राइटर हैं, ठीक है? आपके बाद उसका है हमारा जो नेक्स्ट है एडिटोरियल, बिल्डिंग बाय अकॉर्ड बियॉन्ड जुडिशियल क्लियरेंस सेंट्रल विस्टा शुड बी एबल टू अचीव नेशनल कंसेंसस। मतलब कल हमने बताया आपको कि हमारी जो पार्लियामेंट्री आपका जो बिल्डिंग बन रही है उससे रिलेटेड इसको हमने बोला है, सेंट्रल विस्टा का नाम दिया है, तो कैसे ये क्या इस टाइम पे इस, कल हमने जस्टिस खन्ना देखिए, जस्टिस संजीव खन्ना, इन्होंने एक अपना जो आइडिया दिया था, अपने व्यूज से कुछ रिप्रेजेंट किए थे कि इस टाइम पे, इस पेंडेमिक के टाइम पे इतना ज्यादा स्पेंड करना विदाउट एनी पब्लिक जो कंसेंट, तो वो आपका गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। आपको पहले एक चेकआउट करना चाहिए कि हमारी कंट्री में इकोनॉमी का इतना बुरा हाल है, तो आर रिलायबल, हम इतना स्पेंड करने के, खर्च करने के काबिल हैं या नहीं है, हम इसको इसका डिजर्व करते हैं 20,000 सिर्फ अपनी बिल्डिंग को बनाने में, जबकि हमारा जो देश है इतने बुरे दौर से गुजर रहा है, राइट? सो इस तरह से आपका जो इतने ज्यादा पैसे, ऊपर से आपका जो ट्रीज इस पे कट किए जाएंगे, तो वो एक इशू है इसमें, राइट? तो सेंट्रल विस्टा की जो आपकी प्राइम मिनिस्टर का जो रेजिडेंस है, मतलब एक तरह से कई सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो इससे कनेक्ट कर दी जाएंगी, जोड़ दी जाएंगी, तो उस बिल्डिंग को लेके आपका यहाँ पे क्या व्यूज है वो इसमें आप कुछ व्यूज उठा सकते हैं यहाँ से, राइट? चलिए, एक और आपका यहाँ पे आर्टिकल होगा कि
बूस्टिंग इंडिया विद मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, राइट। सो आपका जो मैरिटाइम है, हमारा अवेयरनेस वो हमको बढ़ाना होगा। आप देख सकते हैं हमारा एंशियंट टाइम से ही, जैसे हमारे चोलास थे, चोलास का क्या था, उनका नेवल जो एक्सरसाइज थी, नेवल जो उनकी मिलिट्री थी, वो काफी ज्यादा बहुत ज्यादा अपने टाइम से आगे थी और बहुत ज्यादा ही वो एक्टिव थी उस टाइम पे। तो वो हम वहां से हम सीखते हुए कि आज भी अगर हम अपनी मैरिटाइम डोमेन को इग्नोर करते हैं और बाकी डोमेन्स पे ध्यान देते हैं, तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि मैरिटाइम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, राइट। जैसे चाइना है, चाइना हमेशा वॉच रखता है हम पे, चाइना का हमें उसको काउंटर करने के लिए अपना इंडियन ओशन में कंप्लीटली हमको ध्यान देना होगा। आसपास की कंट्रीज से हमें अपना अच्छा सिनर्जी बना के रखना होगा, कैसे फ्रेंच कनेक्शन है और पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये कल भी हमने डिस्कस किया था जब हम ईरान की बात कर रहे थे। तो ये जो लोकेशंस है ना, पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप जब भी लोकेशन देखें तो प्लीज एक बार मैप में उनको लुकआउट जरूर कर ले, ठीक है। तो नेचर ऑफ द एनिमी ऑफ द सी, राइट, ऑफ एनिमी एट सी, मतलब अपना अगर हम दुश्मन को सी, अपने जो समुद्र है उसमें नजर रखेंगे, तो उसके लिए हमें क्या क्या जो एहतियात है वो रखनी पड़ेगी। जैसे हमारा अपना अपना आपका इसमें 26/11 का जो हमारे टेररिस्ट अटैक हुए थे, ये बाय सी ही हुए थे, वहीं से उन्होंने एंट्री लिया, क्योंकि हमारा मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है वो इतना अच्छा नहीं है। तो वो हमें लुकआउट करना होगा कि हम कब तक ऐसे अपने धोखे हमको मिलते रहेंगे अगर हम अपना सिक्योरिटी नहीं बढ़ाएंगे तो, राइट। ये देखिए, एक दीज एंडेवर्स नेवल ऑफिसर्स से आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये सागर, ठीक है। ये आप इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है ये आप अच्छे से पढ़िए, इनको नोट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके मेंस के लिए, राइट। अब अगला जो आपका आर्टिकल होगा इसमें है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल इंटरेक्शन, ईयर ऑफ बींग होम बाउंड हैज डीपन्ड डिविजन इन द सोसाइटी ऑलरेडी फ्रॉड एंड प्रेजुडाइजेस, मतलब हमारी सोसाइटी पहले से ही इतने प्रेजुडाइजेस और अपनी जो कमियां थी उसको झेल रही थी, उसके ऊपर से अगर हम एक साल से हमारे जो स्टूडेंट है, हमारी नई जनरेशन है, हमारे यूथ है, वो अगर घर में बंद है, तो अब एक साल बाद अगर वो बाहर आ रहा है तो वो क्या इम्पैक्ट डालेगा सोसाइटी पे। तो सोसाइटी के लिए, सोशियोलॉजी के लिए अगर जिसका ऑप्शनल है, तो ये आर्टिकल बहुत ज्यादा अच्छा है, आप पढ़ लेना इसको आज, ठीक है। मैंने पढ़ा है तो बहुत ही मतलब डिफरेंट है, कुछ अलग सोच रखते हैं अगर हम कोविड में, बाकी सब आप करी न्यूज का जैसे एनसीईआरटी का कर रहे थे, ओके अंशु, बट इट टेक्स टाइम, राइट। आप अगर पूरा चाहते हैं कि मैं एडिटोरियल भी करूं, आर्टिकल भी पूरा डिटेल में करूं, तो ये तो फिर 2 आवर्स लग जाएंगे, राइट। तो मुझे भी कुछ करना होगा और साथ ही साथ आप भी इसमें कुछ अपना एफर्ट डालिए, ओके। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कराऊं और आप न्यूज़पेपर बिल्कुल ना पढ़े, आप भी न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको जो समझ नहीं आ रहा आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इतना ज्यादा मैं आपको उसका क्रक्स बता सकती हूँ कि इस आर्टिकल में आपको क्या मिलेगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए या नहीं है, क्योंकि आप इतना ज्यादा जो टाइम वेस्ट करेंगे आप डिफरेंट न्यूज पे, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा यहाँ से वीडियो से कि ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एट द एंड ऑफ द डे नोट्स तो आपको ही बनाने हैं, आपको ही अपना इनका एफिशिएंट यूज करना है। हम तो पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि कौन सी न्यूज ज्यादा बेटर है, इसका यूज कहाँ करना है, बट आप एक बार वो समझ जाए तो आपके लिए ये प्रिपरेशन का जो सफर है वो इजी हो जाएगा, राइट। चलिए, सो उसके बाद ये सोसाइटी के लिए आर्टिकल बहुत है, बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तक हम हर कोई अपने कोवैक्सीन में बिजी है, आपका जो वैक्सीनाइजेशन है, जो अलग तरह से जो ड्राई रन चल रहा है उसमें बिजी है, बट ये शायद ही कोई देखेगा कि इसका सोसाइटल इम्पैक्ट क्या होने वाला है, कि आप एक साल से घर में बंद हैं, आपका इंटरेक्शन सोसाइटी से कम हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आप अपना ये सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा आर्टिकल और ऐसे में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये इन्होंने एक बुक का रेफरेंस भी दिया है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविक लाइफ, राइट, व्हाई डू हिंदूज एंड मुस्लिम लिव पीसफुली इन कैलिकट बट नॉट इन अलीगढ़, मतलब कैलिकट केरला में ऐसा कोई हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता हिंदू मुस्लिम में, वो अलीगढ़ में ही क्यों मिलता है, नॉर्थ इंडिया में ही क्यों इतना प्रॉब्लम है, राइट। सो ये कुछ इश्यूज हैं जो आप सोसाइटी में, बहुत ही डीप मीनिंग के इश्यूज हैं, आप इनको, इन पे क्वेश्चन भी आ सकता है अगर आपसे चाहे एग्जामिनर, तो यही लाइन आपको दे सकता है एग्जाम में लिखने के लिए, और आप सोचते रह जाएंगे इस पे क्या आंसर लिखें, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, राइट। ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, आपका कैसा, कितनी आपको इन डेप्थ नॉलेज है उस टॉपिक की, वो आपको ज्यादा दिखाना होगा, इंस्टेड ऑफ कि आपको कितना ज्यादा आपने पढ़ा है
कंटेंट इतना मैटर नहीं करता जितना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैटर करता है, राइट अंशु? चलिए, व्हेन आर्ट कम्स टू द ऑडियंस, तो ये एक तरह से फिल्म फेस्टिवल है तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, ओके? और क्रैकिंग अंडर द न्यू स्ट्रेन, तो जो न्यू स्ट्रेन है सार्स सीओवी का, उसके बारे में हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। लंदन में एक बार फिर से आपका इवोक हो गया है, लंदन में फिर से लॉकडाउन हो गया है, तो ये क्या कह रहा है कि स्टडी सजेस्ट द सार्स सीओवी टू आपका और द यूके स्ट्रेन जिसको हम बोल देंगे स्पेसिफिकली ऑफ द नोवल कोरोना वायरस कुड बी 50 to 75% मोर ट्रांसमिसिबल देन द यूजुअल और ओल्डर वेरियंट ड्यू टू इंक्रीज इन द ट्रांसमिसिबिलिटी केसेज इन यूके हैव सिंक स्काई रॉकेटेड रिसेंटली, मतलब इतना ज्यादा केसेस एकदम से बढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो पुराना वायरस है ना उससे तो कहीं 50 से 75% तक ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए, राइट? तो ये आप देख लीजिए, ये पॉजिटिव पीक से मतलब यूके का जो स्टैंड है वो दिखाया गया, यूके में एक बार फिर से ये प्रॉब्लम, और रेड जो निशान है ये दिखा रहा है कि किस तरह से, और इंडिया तो यही ब्लू वाला निशान है, मतलब इंडिया में केसेस बहुत कम दिखा रहा है 5 जनवरी तक, और यूके में कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं, राइट? तो ये आप देख लीजिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस ऑफ द न्यू स्ट्रेन, मतलब नए जो स्ट्रेन के, जो यूके स्ट्रेन को स्पेशली हम नाम दे रहे हैं, उसके केसेस सबसे ज्यादा कहाँ है? कर्नाटका में है, राइट? दिल्ली में भी 7 है, तो मतलब ये भी एक तरह से नया वायरस आ रहा है आपको प्रॉब्लम देने के लिए नए साल में, राइट? सो ये देखिए आप, कुछ और न्यूज है वो हम देख लेते हैं। फॉर्मर आंध्र प्रदेश मिनिस्टर अरेस्टेड इन किडनेपिंग केस, ये तो एक तरह का कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि कौन कौन सी न्यूज है जो आपका इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कौन आप इग्नोर करने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते, वो आपको बताना जरूरी है, राइट? हाँ जी, कमेटी टू लुक इनटू लद्दाख इशू। अब लद्दाख का क्या इशू है जी? लद्दाख का इशू है कि वहां का जो कल्चरल है, कल्चरल आपका जो इनकी लद्दाख की, जो जब से इनका बाइफर्केशन हुआ है एज अ यूटी, आपका 5th of August 2019 को जब ये यूटी बने थे आपका जेएनके और लद्दाख, तो उसके साथ साथ इसका जो कल्चरल वहाँ के और कंजर्वेशन लैंग्वेज और उसकी कंजर्वेशन के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं होम मिनिस्ट्री के द्वारा, क्योंकि ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। 10 मेंबर डेलीगेशन ऑफ लद्दाख मेट होम मिनिस्टर अमित शाह, और उन्होंने इस पे एक अच्छे से इस पे ध्यान भी दिया है, राइट? तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है, अच्छा साइन है ये। अ प्रोटेस्ट वाज आल्सो हेल्ड इन द रिगार्ड बिफोर द LAHDC लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, यहाँ मतलब इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है इस प्रॉब्लम को कि हमारे लद्दाख का जो कल्चरल और कंजर्वेशन ऑफ लैंड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इससे रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है लैंड और कल्चर से रिलेटेड, ठीक है? आपका 12 एवियन फ्लू एपिसेंटर्स इन इंडिया, अब 12 एपिसेंटर है हमने ढूंढ लिए कि कहाँ पे सबसे ज्यादा बर्ड फ्लू है वो प्रॉब्लम कर रहा है, वो दिख रहा है, तो वो कौन कौन से हैं आपके, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरला, इनमें सबसे ज्यादा है आपका। और इसमें आप जो एवियन एंड इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा ए टाइप हम इसको बोलेंगे, H5N1, राइट, उससे रिलेटेड है आप। और जो ये देखिए आपका इनका सिक्योरिटी वर्क्स भी वहां पे बहुत ही अच्छे से चल रहा है, पिकिंग अप सिक क्रो, मतलब बर्ड वहां के लगभग जितने भी बर्ड होते हैं सब के सब इन्फेक्ट हो गए हैं एक तरह से, राइट? तो इस पे आप ध्यान देना, एवियन इन्फ्लुएंजा पे तो जरूर आप एक आर्टिकल अपना प्रिपेयर कर लीजिए, राइट, काफी इंपॉर्टेंट है। अनदर वैक्सीन ड्राई रन इन ऑल डिस्ट्रिक्ट टुमोरो, मतलब कल से ईच डिस्ट्रिक्ट विल आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ सेशन साइट, तो हेल्थ मिनिस्ट्री है तो इन्होंने जो दिल्ली में ड्राई रन एकदम स्टार्ट कर दिया है 8 जनवरी से इन ऑल डिस्ट्रिक्ट सेड हेल्थ मिनिस्ट्री, मतलब आपका सब डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली की वहां पे शुरू हो गया है, ओके, ड्राई रन। US मिडलिंग इन स्टैंड ऑफ चाइनीज एनवॉय, मतलब अमेरिका रिलेशन विद अदर्स मस्ट नॉट टारगेट एनी स्पेसिफिक कंट्री, ये देखिए इंडिया और जो अपना चाइना के बीच में यूएस बीच में आ जाता है, डे आफ्टर द यूएस एम्बेसडर सेड इंडिया एंड द यूएस वर कोऑपरेटिंग अगेंस्ट चाइनीज एग्रेसिव एक्टिविटी इन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हमने LAC के बारे में 2 दिन पहले भी बात किया था, अच्छे से बताया था आपको कि इस इशू पे जो चाइनीज है वो अब इंटरेस्ट ले रहा, तो यूएस भी बीच में उसमें आ गया है। वी हैव नोटिस रिसेंट रिमार्क्स विद रेफरेंस टू चाइना बाय द यूएस साइड, वी फर्मली अपोज एनी थर्ड पार्टी मेडलिंग इन द
चाइना इंडिया बॉर्डर इश्यू एंड होप द यूएस रिलेशंस विद अदर्स नॉट टारगेट एनी स्पेसिफिक कंट्री, राइट, जैसे कि इंडिया की बात हो रही है. ओके चलिए, चाइना सर्जिंग अहेड सेज नीति आयोग, मतलब चाइना है वो आपका पार्लियामेंट्री पैनल है प्राइज्ड फॉर द पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमिक सीन अ मीटिंग, ये आपका देखिए नीति आयोग है सीईओ, इसके कमेटी मेंबर्स हैं, आस्क्ड वेदर कोविड 19 हैड प्रूव्ड टू बी एन इन्फेक्शन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द ग्लोबल सप्लाई चेन इफ चाइना वुड स्टिल कंटिन्यू टू बी अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. मतलब अब आफ्टर पेंडेमिक का अगर हम सिचुएशन सोचें कि पहले जो चाइना था, पहले क्या था, चाइना से ही मेनली आप एप्पल देख लीजिए, आप एप्पल खरीदते हैं, कैलिफोर्निया का प्रोडक्ट है, बट बनता कहाँ है, एप्पल भी तो चाइनीज प्रोडक्ट है, चाइनीज हम चाइना में ही बनता है. तो मतलब चाइना जो एक तरह से दुनिया के लिए पूरा फैक्ट्री है, एक तरह से फैक्ट्री का काम करता था, तो अब अगर चाइना में आफ्टर पैंडेमिक किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया पे, देश पे, अगर इसको अभी भी आप जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो समझा जाना चाहिए या नहीं चाहिए, अभी उससे कितना इम्पोर्ट किया जाना चाहिए, कितना अभी स्टॉप करना चाहिए, काला पानी किस बारे में बताइए. ओके सो दिस इज अबाउट चाइना सर्जिंग अहेड, ये नीति आयोग का एक रिपोर्ट है, उन्होंने बोला है पैंडेमिक ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी ट्रेड फ्लोज एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, राइट. तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर जी हैं, हमारे एस जयशंकर जी, ये अभी श्रीलंका की एक दौरे पे हैं, विल गेन फ्रॉम मीटिंग तमिल कंसर्न्स, जो हमारे तमिल इश्यूज हैं लिट्टे वो चलता रहता है आपको पता है इसमें श्रीलंका में, तो वहाँ पे 3 डे की ट्रिप की के लिए गए हैं कोलंबो में. यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं जैसे तमिल पीपल फॉर इक्वालिटी जस्टिस पीस एंड डिग्निटी विद इन अ अनयूनाइटेड श्रीलंका आर फुलफिल्ड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मतलब हमारे जो इश्यूज है कि वहाँ पे तमिल्स की सेफ्टी को लेके हमेशा इंडियन कंसर्न रहता है, आपको पता है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, उनकी भी डेथ इसी इश्यू के चलते चली गई थी, तो ये काफ़ी सेंसिटिव है इंडिया के लिए कि हमारे तमिल्स हैं वो वहाँ पे सेफ हैं या नहीं है, वो चेकआउट करना, ये एस जयशंकर की उनकी 3 दिन की जो ट्रिप है उस पर बताया गया है. ओके सो नेक्स्ट है आपका साइंस पॉलिसी टू बूस्ट जनरल एक्सेस. ओके सो नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट, तो ये आपका ट्यूटोरियल पेजेस हैं कुछ, तो हमारे जॉर्जिया रन ऑफ ब्रेक्स रिकॉर्ड एंड ट्रेंड्स, मतलब आपका जो जॉर्जिया में जो अभी इलेक्शंस हैं उनकी उनसे रिलेटेड ये न्यूज़ है थोड़ा दिया गया है. ओके आप जॉर्जिया का मैंने पहले ही बता दिया है, आप देख लीजिए मैप में. और एक न्यूज़ है कि चाइना डिनाइज एंट्री टू WHO एक्सपर्ट, ये देखिए टेड्रोस एब्डोमन, ये आपके WHO एक्सपर्ट है. इनका क्या था कि पहले जो चाइना इनको सपोर्ट कर रहा था तो ये भी चाइना के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलते थे, बट अब इनको चाइना में एंट्री देने से मना कर दिया तो इन्होंने चाइना के अगेंस्ट कुछ बोला है पहली बार, तो ये काफ़ी बड़ा न्यूज़ है क्योंकि ये डिप्लोमेसी की बातें होती हैं जब आपके इस तरह के जो लीडर इनको इन लीडर बनने में WHO के एक्सपर्ट बनने में इनको चाइना ने हेल्प किया था तो ये चाइना के अगेंस्ट ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे. ठीक है, द टीम वॉज ड्यू टू स्टडी द ऑरिजिन ऑफ COVID-19 फर्स्ट रिपोर्टेड इन वुहान, मतलब एक टीम गई थी आपकी चाइना में किस तरह से COVID-19 का स्टार्ट हुआ था वुहान में, बट उन्होंने एंट्री देने से मना कर दिया. अब जी कम्युनिस्ट कंट्री जो उनका मन करेगा वो करेंगे. ठीक है, अब आप भुगतो, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज सेड इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट चाइना हैड नॉट अलाउड अ टीम ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स टू गो अहेड विद अ विजिट टू स्टडी द ओरिजिन ऑफ, ये बताया मैंने आपको. तो ये आपका चाइना के कुछ इश्यूज हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, राइट. तो अटॉर्नी जनरल है वहां के बनाए गए हैं बाइडन के टाइम में, राइट. तो कंट्रोल ओवर डेटा बिहाइंड अलीबाबा असल, तो अलीबाबा के जो फाउंडर है हमारे जी जैकमा जी वो गायब हो गए हैं, राइट. कल ही मैंने एक और अपना न्यूज सुना कि पता नहीं न्यूज़पेपर में नहीं आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब से आप जो सिगरेट्स है ना वो सिगरेट्स आप लूज नहीं लेंगे, लूज सिगरेट्स नहीं ले सकते, अब से आपको पूरा पैकेट ही खरीदना पड़ेगा. तो जी जो हमारे यूथ थे बेचारे कभी कभी जाते थे चाय की दुकान पे, एक सिगरेट वहां पे ले लिया मम्मी पापा से छुपा के, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अब आपको पूरा एक डब्बा खरीदना पड़ेगा. डोंट नो ये गवर्नमेंट जो यूथ है उनको एडिक्ट कर रही है ज्यादा या उनको बचा रही है, ये समझ नहीं पाए इस हम एक मूव से.
तो इस तरह की छोटी मोटी जो चीजें हैं वो आपका काफी बड़ा एक सोशल इम्पैक्ट डालने में काफी ज्यादा रोल प्ले करती हैं। ये अभी न्यूज में आया नहीं, आई होप सो कल तक आ जाएगा कि सिगरेट्स अब से आप एक लूज सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे, पूरा पैकेट आपको खरीदना पड़ेगा। तो आई थिंक ये अच्छा भी है बुरा भी है, अब देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। राइट, तो ये कुछ बिजनेस पेज है। फाइनेंस मिनिस्ट्री रिव्यूज एनआईपी एज पार्ट ऑफ इंफ्रा स्पेंडिंग पुश। हमने आपको बताया था कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, 2 दिन पहले भी मैंने बताया था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट होते हैं ये बहुत जरूरी हैं आपके लिए, पढ़ना इनको अच्छे से देखना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेस ऑफ एनी कंट्री। हमारे स्पेशली इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अच्छा तो हम आगे अपने जो भी सेक्टर्स हैं उन पे डेवलपमेंट का नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एनआईपी हैज बीन एक्सपेंडेड फ्रॉम 6385 प्रोजेक्ट्स एट द टाइम ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन अ ईयर अगो टू मोर देन 7300 प्रोजेक्ट्स एंड इज मेकिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस डिस्पाइट द पैंडेमिक, द गवर्नमेंट सेड इन अ स्टेटमेंट। ठीक है, सो एनआईपी का क्या स्टेटस है? पहले तो इस पे इतने ही प्रोजेक्ट थे, बस अब उन प्रोजेक्ट्स को डिस्पाइट कि आपका पेंडेमिक चल रहा है आपके प्रोजेक्ट्स का नंबर है वो बढ़ा दिया गया है। राइट, सो सेबी ने अभी कुछ $2 मिलियन का आई थिंक जो आपका यही आंटी की को पोस्ट गलत मिली ग्रीशिया, ओके। अब देखो गलत किसको मिली किसको सही मिली ये डिपेंड करता है हम कैसे सोचते हैं। राइट, इनके कुछ डिसीजंस होते हैं, जैसे हमारे बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो लगता है उनको रातों रात डिसीजन लेने का बहुत शौक है, बट कुछ कुछ डिसीजन है वो अच्छे निकल गए, कुछ नहीं निकले, तो तुक्के वाली जो चीजें हैं वो चल रही हैं इनकी, पता नहीं कब तक चलेगी। तो सेबी ने उनपे आपका फाइन लगाया है अंबानी जी पे $2 मिलियन का। राइट, सो सेबी मूव्स एंट्री नॉर्म्स टू सेट स्टॉक एक्सचेंजेस, ये दूसरी बात है। एनबीएफसी मे सी ग्रोथ रिवाइव इन फाइनेंशियल ईयर 2022। So, आपका एनबीएफसीज है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनमें ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है 7 to 9%। राइट, ओके भानु जी, ही इज कॉलिंग हर आंटी। राइट, ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। मेंटेन स्टेटस को ऑन अकाउंट्स ऑन अनिल अंबानी फर्म्स, ये देखो एसबीआई ये चलता रहता है जी। तो अब आ गया जी आपके फेवरेट स्पोर्ट्स पेज, इस पे कुछ आपको बताना यूपीएससी के लिए जरूरी नहीं है इतना। राइट, जब तक आपका बीसीसीआई के कोई इशू ना हो जाए, कोई नीरव मोदी पैसे लेके भाग ना जाए, सॉरी आपका विच मोदी वाज दैट, कौन से वाले मोदी थे वो, एक और मोदी थे ना, एक तो नीरव मोदी थे और ये वाले मोदी कौन से थे जो अभी मतलब परमानेंट ही जा चुके हैं इंडिया से, जो स्पोर्ट्स वाले मोदी थे। हाँ जी ओके तो दिस इज ऑल अबाउट द हिंदू टुडे, और रेगुलर आप हमारे साथ न्यूज़पेपर पढ़िए, इसको कवर कीजिए, और ऐसा नहीं है कि हमने कर लिया तो आप कुछ नहीं करेंगे, मैंने कितनी सारी चीजें बताई हैं सबको। आप जाइए मैप में चेक कीजिए, देखिए अच्छे से लोकेट कीजिए, उनके बारे में कुछ नोट्स लिख लीजिए, जो जैसे कि आपका एडिटोरियल है आज का, एडिटोरियल में आपको सेंट्रल विस्टा जो हमारी जो बिल्डिंग बन रही है उससे रिलेटेड कुछ डेटा है वो आप लिख लीजिए, अच्छा है बुरा है इस पैंडेमिक के टाइम पे इतना खर्च करना, वो आप उस पर थोड़ा सा अपनी जो अपनी व्यूज हैं वो रख सकते हैं। राइट, तो इस तरह की न्यूज आपको करते रहना चाहिए। राइट, और जो वैक्सीनाइजेशन लगता रहेगा तो आप अपना पहचान पत्र यहाँ पे दर्ज करा दे, क्लास में हम नोट करते रहेंगे कौन किसको वैक्सीन मिल गई है तो उसको हम क्लास में एंट्री दे देंगे, और जिसको वैक्सीन नहीं लगेगी उसको हम क्लास में एंट्री नहीं देंगे। ठीक है जी, तो आप अपनी वैक्सीनाइजेशन का एकदम ध्यान रखिए, आपकी सिटी में कब से स्टार्ट हो रहा है, कितने लोगों को एक साथ हो रहा है, कौन कौन से फेज में आपको शामिल किया गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल शामिल रहें, आप बिल्कुल सेफ रहें, अपने घर पे सुरक्षित रहें। राइट, और सोसाइटी में जो इम्पैक्ट पड़ा है इस एक साल घर में बंद रहने से वो आर्टिकल आप जरूर पढ़ें। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एनी अदर क्वेरी यू कैन आस्क। ना ना ना, विजय माल्यानी दो मोदी थे, एक और मोदी है वो आईपीएल वाले मोदी, वो उनका 3 4 साल पहले का इशू था। एक तो नीरव मोदी है जो डायमंड वाले थे, एक और मोदी है। ओके, तो अनेबल टू रिकॉल हिज नेम, बट वॉज हिज नेम डोंट नो। थैंक यू सो मच भानु जी,
चिदंबर जी, आप जब इवनिंग की क्लास में आएंगे तब आप बताना कि वो बेस्ट क्लास होगा या नहीं होगा, राइट? थैंक यू सो मच। चलिए मैं खुद ही उनका